नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जॉइंट रजिस्ट्रार हूँ। इसके अलावा मैं एक लेखक भी हूँ और काशी मंथन नाम का एक मंच भी चलाता हूँ, जो समसामयिक विषयों पर चर्चा का एक युवकों के लिए एक मंच है। आज चर्चा जब चली है, चुनाव हमारे सिर पे हैं, 19 मई को बनारस में लोकसभा का मतदान है, तो स्वाभाविक है कि चर्चा हम राजनीति और वोट इसी के इर्द गिर्द राजनीतिक पार्टियों के करेंगे। लेकिन हम चर्चा को थोड़ा दूर ले जा करके बनारस में पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि ये बड़ी एक VIP कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद रहे हैं, अभी हैं, आगे भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा जो, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि 5 साल में हमें क्या उम्मीद थी, उम्मीदों पे हमारे सांसद कितने खरे उतरे, और अगले 5 सालों में हम अपने आने वाले सांसद से क्या चाहेंगे। तो पहले मैं आपको अपने जीवन से थोड़ा, आप जीवन से रिलेट करके आपसे बातें करूं। अगर 2004 में मैं बनारस में जब नौकरी करने आया BHU में, तो यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका एक अभाव था। कैसे आप पूछेंगे, अभाव यहाँ था कि पहले तो बिजली की कटौती, बिजली की एक ऐसी भारी समस्या इस शहर में थी जो आज का युवक, जो आज इस समाज में बड़ा हो रहा है, बच्चा युवा, शायद उसको समझ ना पाए 2004 से की समस्याओं को। 8 से 10 घंटे बिजली की कटौती, ये एक हम लोगों के लिए रूटीन था, और आप शहर में अगर निकलते तो सिर्फ जनरेटर की आवाज़ सुनाई देती थी। इसको हम लोग कभी, शायद इसका हम लोगों ने आकलन नहीं किया कि जनरेटर में जो डीजल का खर्चा, उससे प्रदूषण, और उस व्यापारी का या जो भी संस्था चला रहा, उसके ऊपर कितना बोझ पड़ता था। दूसरा, सड़कें, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, कभी कभी तो ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आप हड्डी के मरीज हो जाते थे, उसके अलावा अनेक तरीक़ों से आप जूझ रहे थे समस्याओं से। कानून व्यवस्था की समस्या थी, गंगा जी का संक्रमण होता चला जा रहा था, सिकुड़ती चली जा रही थी, तो समस्याएं बहुत थी। तो जब 2004 में श्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद बने, तो अब इतना बड़ा व्यक्तित्व और ऊपर से प्रधानमंत्री, तो ये स्वाभाविक है कि हमारी आशाएँ भी उनसे बढ़ती चली गई। और मानना होगा कि इस चीज़ के लिए सराहना करनी होगी कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में जितना समय दिया, वो शायद ही बनारस के रहने वाले मूल सांसदों ने शायद उतना समय अपने क्षेत्र को न दिया हो जितना कि प्रधानमंत्री, जिनको पहले उन पर बाहरी का टैग लगाया गया था, उन्होंने जितना समय दिया। और नतीजे हमारे सामने हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली व्यवस्था हो, सारों में सुधार है। घाट जो बिल्कुल नदारद होते चले जा रहे थे, घाटों पे रहने वाले जो मित्र होते, वो कहते थे कि आपको घाट बड़े सुंदर लगते हैं, हमारे लिए सुबह बनारस नहीं होता है, क्योंकि घाट पे चलना इतनी गंदगी है, और सुबह की गंदगी तो कुछ ज़्यादा ही वहाँ गंदगी रहती थी, लोगों ने उसको नित्य क्रिया के अपने एक जगह बना के रखा था, तो उनके लिए स्वाभाविक था, घाट पे चलना संभव ही नहीं हो पाता था। घाटों का जिस तरह से उनको एक फंडामेंटल चेंज हम कहेंगे, जिस तरह से घाटों पे आया है, जिस तरह से पूरी इकोनॉमी घाटों की जो थी, जो एक अव्यवस्था की ओर थी, साफ सफाई को लेते हुए जिस तरह से प्रश्रय दिया गया, हमारे टूरिज्म को जिस तरह से प्रश्रय दिया गया, उसका नतीजा हम सबके सामने है। मूलभूत हमारी सुविधाएँ बढ़ी हैं, जिस तरह से सड़कें चौड़ी हुई हैं, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो रहा है, तो ये सारे जो फायदे हैं, ये बनारस की जनता के लिए ही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत सुधर चुका है, तो ये एक विश्वनाथ कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा बीच में विवाद में डाला गया था, वो सारा प्रोजेक्ट जो है, जो इस समाज के लिए एक धाम, विश्वनाथ धाम का जो कॉन्सेप्ट है, वो जिस दिन यहाँ फलीभूत होगा पूर्ण रूप से, हम सभी निश्चिंत हैं कि उससे बनारस की इकॉनमी, बनारस का जो एक स्टैचर है अभी तक दुनिया में, खास करके हिंदू एक समाज के लिए, उसका बिल्कुल रूप बदलने वाला है। तो ये तो रही उनकी, जिसको कहेंगे, जो उन्होंने अभी तक किया अपने क्षेत्र के लिए, जो चीज़ें छूटी और जो चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि अगला जो सांसद होगा वो इस क्षेत्र के लिए करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है इस शहर की जो समस्या से हर आदमी अभी भी जूझ रहा है, क्योंकि शहर जिस तरह से इसका विस्तारीकरण हुआ है, उस तरह से शहर के विस्तारीकरण से ट्रैफिक का एक बहुत ज्वलंत समस्या शहर में हो गई है। सड़कों की का स्वभाव तो बदला, फिर भी अभी भी उसमें सुधार की ज़रूरत है। ट्रैफिक में जो स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट है, उसको एक्चुअली भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बड़ी खुशी का विषय है कि कुछ सिग्नल्स लगे, ट्रैफिक सिग्नल्स, बात करने में शायद बाहर के लोग सुने तो उनके लिए एक अजीब सा एक प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल को लेके बनारस के काशीवासी इतने उत्साहित क्यों हैं।
उत्साहित इसलिए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल का कोई कॉन्सेप्ट ही हमारे शहर में नहीं था। यहाँ तो कॉन्सेप्ट लोग हंसी मजाक में कहते हैं कि हाथी और उसकी सूंड का कॉन्सेप्ट है, कि हाथी जो होता है ट्रैफिक में अपनी सूंड घुसा के बाकी शरीर तो खींच ही लेता है। तो वो कॉन्सेप्ट था कि अगर आप में ज़बरदस्ती हाथी का शरीर है तो आप घुस ही जाओगे कहीं पे भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया, इन कॉन्सेप्ट पे और फोकस किया जाएगा। जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम भी सहयोग करें उनके साथ। इस जो कि बदलाव हमारे शहर के लिए है, हमारी अगली जनरेशन के लिए है। हो सकता है हम उसका लाभ उतना आज की तारीख में मेरे उम्र के लोग ना ले पाएँ, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है, इससे जो रोज़गार होगा, क्यों बनारस के लोग जाकर के कलकत्ता और मुंबई जैसे शहरों में छोटी नौकरी करेंगे, धारावी के स्लम्स को भरेंगे? क्यों अपने घर में रह करके सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ वो रोजी रोटी नहीं कमा सकते हैं? इसलिए इन सारी चीज़ों पे अगली जो भी सांसद हैं, जो भी सरकारें हैं, हमारी उम्मीद है, हमें लगता है हर काशीवासी की उम्मीद है कि इतने बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐसा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और नॉलेज बनाया जाए कि हम हार्वर्ड और दूसरी विश्वविद्यालय जाना चाहते हैं यहाँ के छात्र, क्यों नहीं आज से कुछ सालों बाद? एक दिन की चीज़ नहीं है, कोई भी यात्रा एक दिन में संभव नहीं होती है। क्यों नहीं ये रिवर्स माइग्रेशन हम शुरू करें? क्यों नहीं हम दिल्ली के स्टूडेंट्स को या पुणे के स्टूडेंट्स को, हैदराबाद के स्टूडेंट्स को इस तरह से सुविधाएं यहाँ दें कि अब दूसरे स्टूडेंट्स आएँ? इससे हमारे हर तरीके से हमारी समाज में एक बदलाव होगा। बात समाप्त करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि देखिए 19 तारीख को चुनाव है, कल का जो छठा फेज था उसमें भी उत्तर प्रदेश की जो फिगर्स थी वोटिंग के, वो काफ़ी निराशाजनक हैं। संभवतः 51-52% के आसपास वोटिंग हुई है, और 51-52% का जिसको कहे कि लोकतंत्र में योगदान, ये बहुत अच्छा साइन नहीं माना जा सकता है। तो आप सबसे अपील है, हर वाराणसी वासी से अपील है, खास करके मैं युवा वर्ग से लगातार अपील करता चला रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से भी, कि क्यों नहीं इसको हम लोग फिटनेस चैलेंज लेते हैं, क्यों नहीं लेट अस टेक अ चैलेंज फॉर ब्रिंगिंग वोटर टू द बूथ। अगर हर युवा कम से कम पांच अपने वोटर्स की जिम्मेदारी ले ले कि इन पांच वोटर्स को किसी भी तरीके से बूथ पे पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए अशक्त और कमज़ोर या बीमार वोटर को आप लेके जा सकते हो, चैलेंज मेरा युवाओं के लिए है ये कि जो उदासीन वोटर है, देखिए ये 50% वोटिंग नहीं हुई, इसमें सारे बीमार और अशक्त नहीं रहे होंगे, इसमें वोटरों में भी उदासीनता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाइए और उस बोध से उनकी उदासीनता को दूर करिए, उनको वोटिंग बूथ तक ले जाइए। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी आप सबके लिए है कि लोकतंत्र आपको एक समान अधिकार देता है, एक समान मौका देता है इस दुनिया में अपना काम करने का। इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए और ऐसा करिए कि इस एक कीर्तिमान स्थापित हो कि बनारस ने, जो मोदी जी की भी अपील थी प्रधानमंत्री जी की, कि क्यों नहीं बनारस में एक कीर्तिमान स्थापित हो वोटिंग का। हार जीत वोट आपका अपना है, वोट पे मेरा कोई किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अपनी सोच समझ करके, अपने भविष्य को देखते हुए वोट डालिए, लेकिन डालिए ज़रूर। धन्यवाद।